अब आपको कृषि शिक्षा में खेल दिखाते हैं। जी हां, प्रदेश में संचालित 36 निजी कृषि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की संबद्धता पर सवाल उठे हैं कि जब प्रदेश में कोई कृषि आयोग ही नहीं है तो इन निजी कृषि विश्वविद्यालयों को मान्यता कौन दे रहा है। प्रदेश में आधिकारिक तौर पर सिर्फ दो कृषि विश्वविद्यालय हैं, एक जबलपुर और दूसरा ग्वालियर में। सिर्फ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नए विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति देता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इतने कॉलेज प्रदेश में खुल गए। वहीं जब इस बारे में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पीके बिसेन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नए कृषि कॉलेजों को खोलने की मान्यता देने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, मध्य प्रदेश में खुले फर्जी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कृषि विश्वविद्यालय के कृषि छात्रों ने आंदोलन किया है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जो कृषि में जो फर्जी डिग्री जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां और परंपरागत जो यूनिवर्सिटियां जो फर्जी डिग्री दे रही हैं उसके तहत हम लोगों ने आज से आंदोलन शुरू किया है। तक ये निजी विश्वविद्यालय अथवा निजी महाविद्यालयों को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता देने की बात है। इसमें कृषि, चाहे वो ग्वालियर का कृषि विश्वविद्यालय हो या जबलपुर का हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, दोनों ही विश्वविद्यालय इस बात के लिए अधिकृत नहीं है कि किसी को वो मान्यता प्रदान करें। तो सुना आपने, 36 निजी एग्रीकल्चर कॉलेजों पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि इन कॉलेजों को मान्यता किसने दी। माजरा है क्या, वो समझ लेते हैं। सीधे रुक करेंगे जबलपुर का। प्रतीक अवस्थी उठ गए हमारे साथ लाइव। प्रतीक, जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तब ये बात पुख्ता होती है कि जो शिक्षा है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। और जो सवाल यही उठते हैं अब कि आखिर इन कॉलेजों को मान्यता दे कौन रहा है, जरूर इसके पीछे एक बड़ा खेल है। प्रतीक, देखिए बिल्कुल सुमित, चूंकि कहीं ना कहीं जो कृषि के छात्र हैं वो लगातार आंदोलनरत भी हैं, लेकिन जब इस बात को न्यूज 18 की टीम ने जाना तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हुआ कि जो नियम बायलॉज बने हुए हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में कोई कृषि आयोग नहीं है। ऐसे में इनकी संबद्धता पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एफिलिएशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को आखिर कौन दे रहा है, क्योंकि नियम के तहत तो कहीं ना कहीं जो दो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनसे इनकी किसी का भी एफिलिएशन अब तक सामने नहीं आ पाया है। खुद कुलपति महोदय भी इस बात को कह रहे हैं कि हम ऐसी किसी मान्यता को ना तो दे सकते हैं और ना ही कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 36 निजी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं और जो कृषि कोर्स संचालित कर रहे हैं, आखिर ये किस बेस पे कर रहे हैं, और अगर ये इनके पास कोई पुख्ता आधार भी है तो क्या ये कानूनन रूप से स्वीकार्य है या नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट यानी पीएटी एग्जाम फेस करने के बाद ही कृषि विश्वविद्यालय, जो कि एक जबलपुर में है और एक ग्वालियर में राजमाते के नाम पे है, वहां पर एडमिशन यानी दाखिला मिल पाता है। ऐसे में आखिर ये जो निजी विश्वविद्यालय खुल गए, महाविद्यालय खुल गए, जहां आसानी से फीस भर करके एडमिशन मिल जाता है और जब उन्हें डिग्रियां मिल रही हैं, बकायदा शासन अगर उन्हें अनुमति दे रहा है, तो आखिर किस बेस पे